अखाड़ों की सुरक्षा के भी अपने इंतजाम हैं। संत महंतों की सुरक्षा हो या संपत्ति की देखरेख, इसके लिए पूरी फौज है। इनमें कोतवाल से लेकर झुंडी महंत की टोलियां हैं। त्रिशूल, भाला और खड़ग इनके हथियार हैं। शस्त्र चलाने से लेकर शास्त्रों की शिक्षा में ये पारंगत हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की रमता पंचों के नगर प्रवेश के साथ कुंभ नगरी में इनका भी आगमन होता है। पेशवाई में सुरक्षा घेरा बनाकर चलते हैं और इष्ट देव एवं अखाड़ा के सर्वोच्च पदों पर आसीन संतों की सुरक्षा करते हैं। अखाड़ों की फौज का इतिहास मुगल काल से जुड़ा है। संतों के अनुसार मुगलों ने हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ा और हिंदुओं का दामन पर धर्मांतरण किया। सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों के संतों ने मुगलों के खिलाफ हथियार उठाए। इसमें नागा सन्यासियों की वीरता के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। श्री निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी बताते हैं कि समय के साथ मुगलों का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन अखाड़ों की फौज की परंपरा आज भी है। भले ही युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन फौज अखाड़ों की संपत्ति और संतों की सुरक्षा करती है। हर अखाड़े में थानापति, कोतवाल और जिलेदार जैसे पद हैं। इनमें अखाड़ों के सन्यासी भी तैनात किए जाते हैं। उनको शस्त्र चलाने से लेकर शास्त्रों की शिक्षा दी जाती है। पेशवाई की सुरक्षा का दायित्व अखाड़ों की फौज पर निर्भर है। इनमें नागा सन्यासी सबसे अधिक होते हैं। इनकी अपनी वेशभूषा होती है। 18 साल की उम्र से अधिक काबिल लोग ही सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।